गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज आस्था एंड आज है हमारे घर पे एक बड़ा ही खास आयोजन है बोल सकते हैं, बहुत ही शुभ दिन है ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, शायद और दूसरे ब्लॉग में बताऊँ इसमें बताऊँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी घर जाके बिकॉज मैं अभी यहाँ पे हूँ। मैं अपने गाँव में जितने भी भगवान जी है ना उनका पूजा करने आई हूँ क्योंकि मेरे घर पर कुछ खास है बोल सकते हैं, तो मैं उन लोगों को पूजा करने के लिए आई हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आई हूँ एंड यहाँ पे दीदी पूजा कर रही है, तो अब मैं आपको ब्लॉग के बीच में या एंड में बता सकती हूँ कि हमारे घर पे क्या होने वाला है। तो आप ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखो। और हम लोग पहले आए हैं यहाँ पे मैया स्थान पूजा करने के लिए और दो तीन जगह और जाना है पूजा करने के लिए। और पूजा क्यों कर रही है तो मैं आपको ब्लॉग के बीच में बताऊंगी, तो आप ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखो। तो आया कौन है? मैं आई हूँ, दीदी आई है और अंकिता आई है। अंकिता इधर आई है तो चलो हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद। मैया स्थान है, मैया स्थान, मैया स्थान बोलते हैं भगवान जगदम्बा भगवान, सुनी है? शायद वही है। ये है विदेशी छोरी जिसको पता नहीं है ये कौन सा स्थान है। गाइस इस विदेशन को नहीं पता है कि ये कौन सा है, आप इसके लुक से देख सकते हैं। और इस छोटी बच्ची को देखिए बकरी के साथ खेल रही है, छोटी बच्ची हो क्या? खिलाऊंगी तो अभी पता है गाइस, अभी ये गई एक दुकान पे और रोने लगी कि नहीं टॉफी टॉफी, तो मैं इसको बोली मैं इसको ऐसे बोली कि बेटा बाद में खिलाती हूँ, सबकी दादी है ना थी मम्मी, तो मैं इसको बोली बेटा बाद में, तब जाके चुप हुई। इतनी ये बच्ची है सोचो। अरे अच्छा बंद किया जाता है क्या? उसको फेंक देती हो गया। ये सुनो ना अंकिता दिखा देगी है? अंकिता दिखा देगी हाँ? अंकित दिखा दे तू, ठीक है साफ हो जाएगा। दिखाओ, सब भगवान को दिखाया जाता है। हो गया, इधर दिखाना, इधर दिखाओ। बैक दिख और किधर गई? आई थिंक इधर इधर इस साइड आ। हाँ इधर ही आ जा। थोड़ा पास में जाओ बहन, कैसे कर रही है? चार महीने मंदिर जाने के बाद इसका ये दशा है। दो जगह का पूजा जो है डन हो चुका है, एक जगह मैं सूट करना भूल गई थी एंड अभी जा रही हैं हम लोग एक दूसरे भगवान के पास। अभी दो भगवान और बचे हुए हैं, बस खिकी खिकी कर सकते, इसे कोई काम नहीं होता है। एंड ये हमारे गांव का सुंदर नज़ारा। क्या अंकिता क्या बोलना चाहोगी? ये कोई काम नहीं कर रही है, बिना मतलब का आ गई है साथ में, सेल्फी लेगी बस स्नैप बनाएगी। ये खूबसूरत व्यू है हमारे गांव का। काम करो चलो अभी दूसरी जगह पर जाते हैं, उधर आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन से भगवान के पास आए हैं। सारे भगवान के पास क्यों आते हैं क्या पता बहन,
सो गाइस ये है मलंग बाबा हमारे गांव का, यहाँ पे भी आ चुके हैं और एक जगह बचा हुआ है वहाँ पे बाद में जाएंगे। गिर गया अंकिता और ये लड़की बकरी का स्नैप करना भूल गई। किसका ये जो गिरा? हाँ बना दी, देखो क्रेडिट की भूखी करती और सुंदर भी आ रही है। गाइस ये पूछ रहे मंदिर में इतना भीड़ क्यों है बताओ इसको। वाओ हाउ क्यूट। पता है ब्लॉग जाने के बाद सब क्या बोलेगा कि तुम पूजा क्यों नहीं की, तुम तो बस ब्लॉगिंग की हो। जलाओ दो माचिस ले, तू मेरा ब्लॉग बना, मैं भी पूजा करूँ। ऑन है कैमरा। माचिस जला के उसका हाथ बंद कर दो। बंद कर दे। गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं मेरे घर पे वो खास कार्यक्रम जो मैं आपको बताई थी वो क्या है। तो हमारे घर पे महादेव का रुद्राभिषेक होने वाला है, तो इसके लिए हम सब रेडी हो चुके हैं। बाहर सब बैठ, मम्मी लोग जाके बैठ चुकी है, वो सारा क्लिप आप देख ही रहे हो। तो यस अभी आई थिंक हर साल मतलब 4-5 साल से हम कराते ही हैं हर साल, बस बीच में 1 साल गैप था तो नहीं हो पाया, बट इस साल है बहुत भव्य आयोजन करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से पूजा होता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। सो ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखना। ओम केशवाय नमः। ओम मंगला।
Oh, my God.
Thank you.
बैठो अभी टाइम है अभी होगा मेला 2 मिनट रुको सही में होगा बैठो उधर हरि ओम हरि ओम
Ah.